माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक जो हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, उसी का सब टॉपिक है आज। आर रूट, जड़ के मतलब। लुक एट फिगर 7.13। व्हाई डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? ए और बी, वाई? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोयल? Let us learn more about this part from the following activities. A or B, 7.13 में watering the plants. Activity 6 है, you will require two pots, some soil, खुरपी for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4 to 5 students. Select two weeds of the same kind from an open ground and dig them out. Take care that their roots do not break. Plant one of the weeds in the soil in pot A, fig 7.14a. Cut off the roots from the other weed and plant and put it in the soil in pot B, fig 7.14b. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? Both the plants are watered regularly, but one in without roots, isn't it? Does this activity help you to understand an important function of the root? Root, look at figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? A or B? Why? कहता है कि आप फिगर नंबर 7.13 में देखो कि कौन जो है, आप क्या सोचते हैं कौन जो है वो सही तरह से पौधे को पानी दे रहा है, ए वाला या बी वाला? वाई, क्यों? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल, पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो मिट्टी में है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट, चलो हम सीखते हैं ज़्यादा इसी हिस्से के बारे में फ्राम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, मंदरजा ज़ैल अमलों से। आप देख रहे हो बच्चों कि ए वाला जो है वो इसको रूट से दे रहा है और बी वाला जो है ये इसको ऊपर से दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ए वाला जो है वो सही तरह से पानी दे, वाटरिंग द प्लांट्स, जो पौधे को पानी दे रहा है ए वाला वो सही दे रहा है, क्योंकि ये जड़ों से दे रहा है और बी वाला जो है ये ऊपर से पानी डाल रहा है, तो इसका मतलब है ए वाला जो है ये सही तरह से पानी दे रहा है, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, तो इसलिए ये ए वाला जो है ये सही तरह से पानी पौधे को दे रहा है। यू वुड रिक्वायर टू पोर्ट्स, आपको ज़रूरत, यू वुड रिक्वायर, आपको ज़रूरत है दो गुमले की, सम सोइल, कुछ मिट्टी की, खुरपी फॉर डिगिंग, खोदने के लिए खुरपी, ब्लेड आर पेयर ब्लेड और एक पेयर ऑफ सीसर्स, काटने के लिए कुछ जोड़ा, एंड वाटर और पानी, यानी आपको दो गुमले और मिट्टी और खोदने के लिए खुरपी चाहिए या ब्लेड, और ब्लेड काटने के लिए या कैंची मान लो, और पानी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप 4 to 5 स्टूडेंट्स, ये जो अमल आप करने जा रहे हैं इसके लिए आपको 4 या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना होगा। सेलेक्ट टू वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्राम इन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट, कहता है दो घास फूस वाली जगह जो हैं एक ओपन ग्राउंड में आप क्या कर लो, देखो और डिग देम आउट और उनको खोदो। टेक केयर डैट दे रूट डू नॉट ब्रेक, मगर ये ख्याल रखना है कि उनकी जो जड़ हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द सोयल इन पोर्ट ए, फिग 7.14a। एक घास वाला जो पौधा है उस मिट्टी से जो आपने निकाला उसको पोर्ट ए में रख दो, जैसे ये गुमले में दिखाया गया है। कट ऑफ द रूट्स फ्राम द अदर वीड्स एंड प्लांट, और दूसरा जो है जिसको क्या है जड़ें हैं, तो उसके आपको क्या करना है उसकी रूट्स को काट देना है पौधे की, और पुट इट इन द सोइल इन पॉट बी, और उसको आपको गुमले नंबर बी में रख देना है। वाटर देम रेगुलरली, इनको लगातार पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर द वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, जब आप लगातार इन दोनों को दोगे जो ए में है और बी में, आप देख रहे हो बच्चों, जब आप लगातार इनको पानी दोगे तो एक हफ्ते के बाद मुशाहिदा करना है कौन सा पौधा जो है वो सेहतमंद है, यानी अच्छी तरह से क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है उसकी। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों पौधों को क्या कर दो लगातार पानी दे दो। बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इजंट इट, लेकिन एक जो है वो बगैर जड़ों के है, क्या ऐसा है?
Does this activity helps you to understand an important function of the root? क्या ये जो अमल है ये आपको मदद दे रहा है ये समझने में कि रूट्स के क्या फंक्शन रूट्स के क्या ज़रूरी फंक्शन हैं, यानी ए में जो है उसको रूट्स हैं और बी जो है विदाउट रूट्स है, तो आपको इससे पता चलेगा कि रूट्स का क्या अमल है, कि रूट्स ही से क्या होता है कि ये पानी को जज़ब करता है और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को देता है, जिसकी वजह से इसकी